गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहा है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, टीचिंग एज ए प्रोफेशन का यह मेरा रिवीजन क्लास है। मैंने बुलेट वन, बुलेट टू, बुलेट थ्री, बुलेट फोर, बुलेट फाइव पढ़ा दिया है, रिवीजन भी करा दिया है, आपको सारे पॉइंट्स सब सब पॉइंट्स भी बता दिया है, यहाँ तक कि हमने आपको व्हाट्सएप में नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है। अब मेरा लास्ट बुलेट चल रहा है यशपाल कमिटी, यशपाल समिति क्या है। जैसे कि हम लोगों ने कल भी था कि यशपाल समिति 1992 में शुरू हुआ, थाईलैंड में एक 155 देशों का प्रतिनिधित्व में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें यूनिफॉर्म करिकुलम बताया गया। यह यूनिफॉर्म करिकुलम बच्चों के शैक्षिक विकास की ओर और बच्चों के शिक्षा को व्यवसायीकरण करने के उद्देश्य से बनाया गया। तो पहला इसमें था कि बच्चों को निबंध, प्रदर्शनी और वृतांत के लिए मोटिवेट किया जाए, जिसमें बच्चों को सहयोगात्मक भावनाएं, परस्पर प्रेम हो, सामूहिक उपलब्धि हो, ग्रुप में काम करना सीखे। सेकंड इसका पॉइंट है जिसको हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, पाठ्य पुस्तक तथा विषय वस्तु के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका हो। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि पाठ्य वस्तु तथा पाठ्य पुस्तक के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका हो। कितना बार देखा जाता है कि पाठ्य पुस्तक और पाठ्य वस्तु के निर्माण में कोई डॉक्टर काम लेते हैं, कोई इंजीनियर शरीक होते हैं, कोई पॉलिटिक्स वाले शरीक होते हैं, कोई लॉ वाले शरीक होते हैं, कोई बड़े ऊंच ऊंच पद के लोग शरीक होते हैं, लेकिन नहीं, शिक्षक ही जानता है कि किस एज के बच्चों को कौन सा पढ़ाई उपयुक्त है। शिक्षक ही जानता है कि किस एज के बच्चों को कौन सा सिलेबस प्रदान किया जाएगा कि उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। शिक्षक ही जानता है कि किस तरह का सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसलिए पाठ्य पुस्तक और पाठ्य वस्तु के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होनी चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है। तीसरा है गृह कार्य में अमूलचूल परिवर्तन हो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गृह कार्य में अमूलचूल परिवर्तन हो। कितना बार देखा जाता है कि शिक्षक महोदय को पढ़ाने का मन नहीं है, शिक्षक महोदय किसी कारण से फ्रस्ट्रेशन में है, शिक्षक महोदय किसी कारण से चिंतित है और बच्चों को ढेर सारा गृह कार्य दे देते हैं, वैसा गृह कार्य दे देते हैं जो खुद पढ़ाए नहीं है, वैसा गृह कार्य से लाभ देते हैं कि बजे सुबह से शाम तक बस गृह कार्य ही बनाते रहते हैं, वैसा गृह कार्य देते हैं जिनके डर से, शिक्षक महोदय के डर से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो यशपाल रिकमेंडेशन में बताया गया कि गृह कार्य में अमूलचूल परिवर्तन हो, मतलब गृह कार्य उतना ही दिया जाए जिसमें बच्चों को खेलने का समय मिले, बच्चों को परिवार के साथ रहने का समय मिले, बच्चों को समुदाय के साथ रहने का समय मिले और गृह कार्य भी बने। ऐसा नहीं कि गृह कार्य थोपते बच्चे करते करते अपने परिवार से, समाज से, समुदाय से विलग हो जाए, नहीं, यशपाल समिति में यह बताया गया कि गृह कार्य में अमूलचूल परिवर्तन हो। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे बच्चों पर से भारी वस्तुओं का बोझ
हटाया जाए। बच्चे क्या करते हैं, भारी वस्तु का बोझ लेते हैं, केजी के स्टैंडर्ड वन के स्टैंडर्ड टू के बच्चे भारी वस्तु का बोझ ले लेते हैं, जिससे उनका रीढ़ का हड्डी कमजोर हो जाता है, शोल्डर कमजोर हो जाता है, उनकी हाथें कमजोर हो जाती है, उनके गर्दन में स्पंडलाइटिस की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की भारी वस्तु के बोझ को कम किया जाए, वस्तु को बच्चों को उतना ही बस्ता दिया जाए जितना उनकी आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा कि भारी वस्तु के बोझ को कैसे कम किया जा सकता है। वस्तु या किताब कॉपी को स्कूल में रखा जाए इसे स्कूली संपत्ति समझा जाए, स्कूली संपत्ति समझा जाए। मतलब अब तो बच्चे को सिलेबस के अनुसार पढ़ना ही है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, भारी बस्ते ले जाएंगे तो शरीर में दर्द हो जाएगा, इसीलिए कुछ किताब कॉपी को स्कूल में ही रखा जाए। लेकिन स्कूल में भी उसे यत्र तत्र फेंका नहीं जाए, स्कूल में उसको रद्दी के टोकरी में डाल नहीं दिया जाए, उसे स्कूली संपत्ति समझा जाए। उस क्लास के शिक्षक के बात समझे कि हमारे बच्चों का किताब कॉपी है, हमारे विद्यार्थियों का किताब कॉपी है, वो हमारा धरोहर है, वही स्कूल की संपत्ति है। इस तरह से ये चार पॉइंट है, आप इसे समझें, आत्मसात करें और जो दिक्कत है पुनः पूछें। धन्यवाद।